स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश क्लास 9th के इंग्लिश टेक्स्ट बुक के फर्स्ट लेसन द फन दे हैड की समरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके राइटर हैं आइजैक एसिमोव। ये एक अमेरिकन राइटर हैं जो एक प्रोफेसर भी हैं, और इनकी ज़्यादातर जो राइटिंग्स हैं वो साइंस फिक्शंस पे डिपेंड हैं। और आज हम इस लेसन में वर्चुअल एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्यूचर में इन्होंने जो लिखा है कि फ्यूचर में किस तरह से बच्चे पढ़ेंगे, सब इसके बारे में इस लेसन में बताया गया। इस लेसन में दो बच्चे जो इस स्टोरी के सेंटर में हैं, एक जो है एक लड़की है जिसका नाम है, जो 11th ईयर की है और उसका नाम है मार्जी, और उसका एक फ्रेंड है जो 13 ईयर का है जिसका नाम है टॉमी। स्टोरी ऐसी स्टार्ट होती है कि टॉमी एक रियल बुक पाता है जो इस समय हम लोगों के टाइम में चल रही है, और उस रियल बुक को पाने के बाद मार्जी उस बुक को देखती है, और उस बुक को देखने के बाद वो अपनी एक डायरी इंट्री करती है। जो डायरी इंट्री करती है उसने अपनी डायरी में वो डेट लिखा था, डेट था 17 मई 2157, और इस समय हम हैं किस में, 2020 में है। यानी जाहिर सी बात है कि यह एक फ्यूचर की बात कर रहा है कि फ्यूचर में किस तरह का एजुकेशन सिस्टम होगा। और इसमें उसने जो फ्यूचर में वो जो रियल बुक पाते हैं जो इस समय हम लोगों के टाइम में चल रही है, तो उस बुक के जो पेजेस थे वो समथिंग येलो हो चुके थे। और टॉमी बताता है कि ये बुक शायद मेरे दादाजी की है जो एक रियल बुक है, क्योंकि उनके टाइम में रोबोट्स के द्वारा कंप्यूटर के स्क्रीन पे वो पढ़ते थे, और उनके जो वर्ड्स थे वो स्क्रीन पे आते थे, गायब होते थे, ब्लिंकिंग करते थे, आते थे जाते थे, लेकिन हम लोग। और टॉमी जो है एक रियल बुक पाता है जिसके पेज जो थे येलो हो चुके थे। टॉमी बताता है कि ये बुक मेरे दादाजी की है, क्योंकि उनके दादाजी के जो दादाजी थे वो हम लोग जिस समय जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में पढ़ते थे। ये टॉमी और मार्जी, इनकी जो स्कूल्स थे इनके बेडरूम के बगल वाला रूम था, यानी घर में ही स्कूल था। टीचर कौन होते थे, जो रोबोट्स होते थे वो टीचर्स होते थे, और उन लोगों को कभी उन रियल बुक देखते ही नहीं होते थे। वो लोग तो इलेक्ट्रॉनिक बुक से पढ़ते थे, जो कंप्यूटर में हम लोग देखते हैं कि किसी भी चैप्टर को देखना हो, कुछ पढ़ना हो, तो हम क्या करते हैं कि स्क्रीन पर क्लिक करते हैं, हम जो भी सिस्टम होता है माउस से हम क्लिक करते हैं और स्क्रीन पर वो पूरा डिस्प्ले करता है। इस तरह का सिस्टम था उनमें, रियल बुक थी नहीं। हम लोगों के टाइम में क्या है, इस तरह की बुक जब मार्जी ने पाया तो टॉमी ने बताया मार्जी को कि देखो आज मैंने एक रियल बुक पाई है, और ये उस समय के स्कूल्स में चलते थे। तो मार्जी जो है वो स्कूल के नाम पे समथिंग इरिटेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि मार्गी का जो टीचर था, इलेक्ट्रॉनिक टीचर था, वो उसका कई दिन से ज्योग्राफी का टेस्ट लेता है, और टेस्ट पे टेस्ट उसका लिया जाता है, जबकि मार्जी का परफॉर्मेंस कई बार जियोग्राफी में वर्स होते जाते हैं, ख़राब आते जाते हैं, और मार्जी इसकी वजह से इरिटेट हो गई थी। वो चाहती नहीं थी स्कूल में, फिर उसका इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि एक रूम में अकेले बैठ करके पढ़ना, वो भी जब एक कंप्यूटर सिस्टम आपको पढ़ाए, एक रोबोट पढ़ाए, कोई मैन तो वहाँ पर है नहीं, तो ये इसको थोड़ा कुछ बोरिंग लगती थी। तो कहती है कि स्कूल वो कैसा स्कूल था, तो टॉमी उसे एक्सप्लेन करके बताता है कि देखो ये उस तरह के स्कूल्स नहीं है, पास्ट टाइम में, यानी ये फ्यूचर में है, तो उस समय ये कहते हैं कि पास्ट टाइम में हम लोग के दादाजी के टाइम जो स्कूल्स हुआ करते थे वहाँ पे इस एक बिल्डिंग हुआ करती थी, वहाँ पे सेम एज के जो बच्चे थे वो एक एक क्लास में अलग अलग कैटेगराइज पढ़ते थे, और वहाँ पे जो टीचर्स हुआ करते थे वो हम लोगों के टाइम के जैसे रोबोट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हुआ करते थे, वो जो टीचर्स हुआ करते थे वो ह्यूमन बींग्स, मैन हुआ करते थे। तो मार्जी कहते हैं कि एक मैन इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है, लाइक अ कंप्यूटर। तो टॉमी समझाता है कि देखो हमारे पेरेंट्स भी तो टैलेंटेड हैं, और आखिर रोबोट्स या कंप्यूटर को बनाया किसने है, इंसान ही ने तो बनाया है। तो कहते हैं कि हाँ ये तो है। फिर अब जब मार्जी के परफॉर्मेंसेस काफ़ी वर्स्ट होते जाते हैं, तो मार्जी की मम्मी क्या करती है, वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है, और इसके टीचर की रिपेयरिंग के लिए, यानी इसका जो रोबोट होता है, जो इसका टीचर होता है, उसकी रिपेयरिंग के लिए एक मैन आता है, काउंटी इंस्पेक्टर आता है। काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है, वो एक मैन होता है, नाटा सा होता है, छोटा सा शॉर्ट टाइप का, उसके चिक्स जो होते हैं समथिंग रेड होते हैं, और वो मार्जी को एक एप्पल देता है, और तब फिर इसे शाबाशी देता है। वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो वो मार्जी की मम्मी से कहते हैं कि देखिए इसके
वो कहता है कि मार जी की इसमें कोई गलती नहीं है, एक्चुअली इसका इसके टीचर का जो स्पीड था, पढ़ाने का लेवल था, वो समथिंग फास्ट हो गया था, जिसकी वजह से मार जी को समझ में नहीं रहती, यानी इसके एज लेवल से समथिंग हाई हो गया था। तो काउंटी इंस्पेक्टर क्या करता है कि उसके रोबोट मार जी के रोबोट टीचर को रिपेयर करके और उसके लेवल को मार जी के लेवल में इक्विलाइज करके और तब फिर उसको ठीक करके दे देता है। तो मार जी सोचती है, वो चाहती नहीं कि उसका ये जो इलेक्ट्रॉनिक टीचर है वो सही हो, वो चाहती है कि टॉमी के टीचर जैसा। और टॉमी के टीचर के साथ क्या हुआ था कि टॉमी के टीचर का जो हिस्ट्री पोर्शन था वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, जिसकी वजह से उसके घर उसका काउंटी इंस्पेक्टर आया और टॉमी के इलेक्ट्रॉनिक टीचर को यानी उस रोबोट को उठा करके अपने साथ लेकर के रिपेयरिंग के लिए चला गया था और टॉमी इस बीच में फ्री हो गया था। तो मार्जी भी यही चाहती थी कि इसके साथ भी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और तब फिर दोनों डिस्कस करते पढ़ते हैं, मार्जी उसमें के कुछ पेजेस पढ़ती है, टॉमी बताता है कि देखो उस समय जो बच्चे हुआ करते थे वो काफ़ी इंजॉय करते थे। तो वही सोचती है कि बताओ एक बिल्डिंग होगी जहाँ पे सेम एज के सारे बच्चे आते होंगे, वो इकट्ठा होते होंगे, आपस में पढ़ते भी होंगे, टीचर से हंसी मजाक जो भी है या फिर आपस में जो भी खेलते हैं सब करते होंगे, तो वो उस समय कितना फन पाए होंगे, कितना इंटरटेन किए होंगे अपने आप को। इसीलिए इस लेसन का नाम दिया गया है द फन दे हैड, यानी वे स्टूडेंट्स वे कितना फन किए होंगे। और इसी बीच में मार्जी की मम्मी से आवाज़ देती है कि तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है, यानी एक निश्चित टाइम पे इनका अपने बेडरूम के बगल वाला जो रूम होता था यानी जो स्टडी रूम होता था वह इनका स्कूल होता था, और एक निश्चित टाइम पर इनका जो इलेक्ट्रॉनिक टीचर होता था वो स्क्रीन पर अपीयर हो जाता था और ये होमवर्क देता था। मार्जी अपना होमवर्क ही नहीं थी, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक टीचर था वो होमवर्क पूछना भूलता नहीं था, जबकि क्लासेस में क्या होता है कि हम लोग टीचर पढ़ाने आते हैं कभी भूल भी जाते हैं कि उन्होंने क्या होमवर्क दिया था, एक वीक पहले क्या दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक टीचर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी, वो अप टू डेट पूछता रहता था। मार्जी की मम्मी उसे आवाज़ देती है कि तुम्हारे क्लास का टाइम हो गया है, तुम जाओ। मार्जी दौड़ के जाती है और तब फिर वो कहती है कि आफ्टर फिनिशिंग माई क्लास आई विल कम बैक अगेन, टॉमी से कहती है, और मैं फिर इस बुक को पढ़ना चाहूँगी। और वो ये सोचती है उसका टीचर मार्जी का टीचर उस दिन उसको अर्थमेटिक के एडिशन सब्सट्रैक्शंस वगैरह के बारे में बताने वाला रहता है, वो एडिशन सब्सट्रैक्शंस बताता रहता है और मार्जी अपने क्लास में बैठ करके यानी अपने घर में बैठ करके और यही सोचती रहती है कि वो स्टूडेंट्स कैसे रहे होंगे, वो स्कूल कैसा रहा होगा कि जिसमें बच्चे एक साथ मिल करके खेलते होंगे, इंजॉय करते होंगे, पस में फन भी करते होंगे और स्टडी भी करते होंगे। ये थी इस लेसन की, फर्स्ट लेसन की द फन दे हेड की पूरी समरी। और बाकी इसके जो अदर लेसन्स हैं वो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।